हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके प्रिपरेशन विद कीर्ति। गाइस, आज के वीडियो में आपको 1 अगस्त से लेके जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो लेके आई हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन भी लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट और यूट्यूब पर बेल आइकॉन का बटन उसको प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो पब्लिश करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियो को देख सकें। तो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स के बिना कोई भी एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं जो, या फिर रिक्रूटमेंट के लिए हो या फिर जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, बिना करंट अफेयर के कोई भी एग्ज़ाम्स है जो कंप्लीट नहीं होते। तो करंट अफेयर जो बेसिक पार्ट है किसी भी एग्ज़ाम्स का, तो गाइस चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 12 क्वेश्चन है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और उनके जो भी फैक्ट्स हैं मैंने उनको भी क्लियर करने की कोशिश की हुई है। चले देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो अभी जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट में रामनाथ कोविंद, वो किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो यहाँ पे आंसर आएगा बी, गाम्बिया। तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, वो 3 दिन की अफ्रीकी देशों की आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं। तो सबसे पहले वो बेनिन गए थे, देन गाम्बिया और उसके बाद गिनी। तो ये तीनों देश हैं जो अफ्रीकी देश हैं जहाँ पर हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट, वो भी गए हुए हैं। तो सबसे पहले कहाँ गए थे? बेनिन, उसके बाद गाम्बिया और अब उस गाम्बिया के बाद कहाँ जाएंगे? गिनी। तो यहाँ पे आंसर आएगा बी, गाम्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 1000 साल पुराना ऐतिहासिक हिंदू मंदिर खोला है? 1000 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर किस देश ने खोला है? तो खोला है पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान के सियालकोट में मंदिर स्थित है, 1000 साल पुराना मंदिर है और वहाँ के जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उन लोगों की डिमांड पर, मांग पर है पाकिस्तान ने 1000 साल पुराना मंदिर खोल दिया है। तो यहाँ पे आंसर आएगा सी, पाकिस्तान। नेक्स्ट इज, हाल ही में भारत ने R-27 मिसाइलों का अधिग्रहण करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में जो अभी भारत ने R-27 मिसाइलों के अधिग्रहण के लिए रूस के साथ समझौता किया हुआ है। तो यहाँ पे जो वर्ड रूस आया है तो इसकी कैपिटल क्या है? मॉस्को। और यहाँ के रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और एक क्वेश्चन और यहाँ पे आता है कि रूस की जो संसद का नाम है वो क्या है? तो वहाँ की संसद का नाम है ट्यूमा। तो गाइज यहाँ पे जो रूस से रिलेट करते हुए 3-4 क्वेश्चन थे वो में भी मैंने क्लियर कर दिए हैं कि रूस के जो प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम पे वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। और यहाँ की संसद से लेकर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि वहाँ की संसद का क्या नाम है रूस की? तो उसका नाम है ट्यूमा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में मुंशी प्रेमचंद की जयंती कब मनाई जाती है? तो जो मुंशी प्रेमचंद हैं वो एक उपन्यासकार, राइटर, पोएट हैं। तो उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी हुई हैं, उपन्यास भी लिखे हुए हैं। तो उनकी जो जयंती है वो कब मनाई जाती है मुंशी प्रेमचंद की? तो मनाई जाती है 31 जुलाई को। 31 जुलाई को है जो मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई जाती है। इसमें से एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग आता है मुंशी प्रेमचंद को लेके कि मुंशी प्रेमचंद जी का एक अधूरा उपन्यास कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र है जो मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। और मुंशी प्रेमचंद जी हैं जिनकी फेमस उपन्यास कौन कौन से हैं? गबन, गोदान, निर्मला, करमला, ये 4 उपन्यास हैं जो बहुत ही फेमस है मुंशी प्रेमचंद की। इनकी कुछ कहानियाँ भी हैं बट जो सबसे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो यही रहता है कि अधूरा उपन्यास कौन सा है मुंशी प्रेमचंद जी का? तो वो है मंगलसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी रिसेंटली है जो भारत के नए वित्त सचिव के रूप में सॉरी राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे जब वित्त सचिव राजीव कुमार चुने गए तो इसके पहले कौन थे हमारे इंडिया के वित्त सचिव? वो थे सुभाष चंद्र गर्ग। लेकिन अब जो नए वित्त सचिव बनाए गए हैं भारत के तो वो होंगे राजीव कुमार। जब वित्त सचिव राजीव कुमार है तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो हमारी वित्त मंत्री हैं वो कौन है? निर्मला सीतारमण। और ये स्वतंत्र भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री बनी हुई है। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है
कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है, तो वह निर्मला सीतारमण। और इन्होंने ही पहली बार किसी महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री ने जो फाइनेंस जो बजट आया था अभी हमारा वो प्रेजेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में ई गवर्नेंस पर 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो अभी ये मेघालय में अभी रिसेंटली आयोजित किया गया है 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन। और इसका जो थीम क्या था, ई गवर्नेंस का जो 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन था मेघालय में आयोजित किया गया है, इसका जो थीम था वो था डिजिटल इंडिया सक्सेस टू एक्सीलेंट। इसका थीम था डिजिटल इंडिया सक्सेस टू एक्सीलेंट। नेक्स्ट इज, हाल ही में किस बैंक के पूर्व गवर्नर सुबीर गोकर्ण का निधन हुआ है, तो सुबीर गोकर्ण है वो किस बैंक के पूर्व गवर्नर थे जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया है, तो वो RBI के डिप्टी गवर्नर थे सुबीर गोकर्ण, उनका भी रिसेंटली है जो निधन हो गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व डिप्टी गवर्नर रहे सुबीर गोकर्ण का रिसेंटली निधन हो गया है। जो यहाँ पर RBI वर्ड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और अभी जो हमारे प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर हैं वो कौन है, शक्तिकांत दास, और ये RBI के 25वें गवर्नर हैं। ये चीज़ आप याद रखिए, एग्ज़ाम में आ सकती है कि शक्तिकांत दास हैं जो अभी हमारे रिसेंट में गवर्नर, वो RBI के कौन से नंबर के गवर्नर हैं, 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में BCCI ने किस खिलाड़ी को डोपिंग उल्लंघन के लिए निलंबित किया है, तो अभी रिसेंटली है जो BCCI ने पृथ्वी शाह, 19 साल के जो पृथ्वी शाह हैं, इनको डोपिंग उल्लंघन के लिए 8 महीने के लिए निलंबित किया हुआ है, 8 महीने के लिए। तो यहाँ पे BCCI ने इनको जो डोपिंग टेस्ट होता है इसलिए उनको निलंबित किया गया, क्योंकि जो पृथ्वी शाह है इन्होंने एक इस टाइप की कफ सिरप ली थी जिसमें कुछ ऐसे केमिकल प्रेजेंट थे जो डोपिंग टेस्ट का उल्लंघन करते हैं, जो डोपिंग रूल्स हैं उसको उल्लंघित करते हैं, इसीलिए है जो BCCI ने पृथ्वी शाह को 8 महीने के लिए निलंबित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन वुमेन ऑफ इन्फ्लुएंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो अभी हाल ही में जो इंडियन वुमेन ऑफ इन्फ्लुएंस अवार्ड है वो मिला है प्रियदर्शनी जैन को। और इंडियन वुमेन ऑफ इन्फ्लुएंस कहाँ पर हो रहा है, इनको अवार्ड मिला है UK में। और जो अभी रिसेंटली इन्होंने प्रियदर्शनी जैन को ही इंडियन वुमेन ऑफ इन्फ्लुएंस अवार्ड से नवाजा गया और UK में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंफोसिस ने किस देश में साइबर डिफेंस सेंटर लॉन्च किया है, तो अभी रिसेंटली इंफोसिस ने है जो रोमानिया में साइबर डिफेंस सेंटर है जो लॉन्च किया हुआ है। तो यहाँ पर जो इंफोसिस आया है, तो इंफोसिस से एक दो क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो इंफोसिस की स्थापना कब हुई थी, 1981 में, 1981 में। इसका हेड क्वार्टर है जो कहाँ पर है, बेंगलोर में। और इसकी स्थापना की किसने थी, तो वो थे NR नारायण मूर्ति। तो इन्होंने है जो इंफोसिस की स्थापना की थी 1981 में, हेड क्वार्टर बेंगलोर में है, और इसके स्थापक कौन है, NR नारायण मूर्ति। और भी इंफोसिस ने जो साइबर डिफेंस सेंटर लॉन्च किया है किस देश में, तो ये किया है इन्होंने रोमानिया में। नेक्स्ट इज, हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, तो अभी रिसेंटली बाई वेणुगोपाल राव ने है जो जितने भी क्रिकेट होते हैं उन सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा ले ली, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, IPL हो, OD हो, इन सभी से उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है बाई वेणुगोपाल राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण एशिया एयर क्वालिटी टेक कैंप का आयोजन कहाँ किया गया है, तो अभी इसका आयोजन किया गया काठमांडू में। और जो दक्षिण एशिया एयर क्वालिटी टेक कैंप है इसका आयोजन क्यों किया गया है, क्योंकि जो भी अभी रिसेंटली जो एयर का जो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जो एयर की क्वालिटी है वो घटती जा रही है पॉल्यूशन बढ़ने के कारण, तो इसीलिए उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जितने भी देश उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो वो लोग चर्चा करेंगे कि किस टाइप से है जो एयर क्वालिटी को बढ़ाया जाए या फिर क्या किया जाए, ताकि जो भी चीज़ें हैं एयर में जो पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं उन चीज़ों को कम कर सकें। तो गाइस यहाँ पे टोटल इतने ही क्वेश्चंस थे, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।